नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो पर। दोस्तों, बचपन में हम सभी को झूलों पर बैठने का शौक तो होता ही है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अम्यूजमेंट पार्क्स और मेलों में लगे झूलों में बैठकर अपना मन बहलाते भी हैं, पर हर बार हमारा मन हमें कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग राइड्स ट्राई करने के लिए कहता है। तो आज ऐसे ही डेयरिंग और झूलों के शौकीन लोगों के लिए हम दुनिया भर के कुछ खतरनाक झूलों की ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद वो भी हैरान रह जाएंगे। इनमें से कुछ राइड्स तो इतनी खतरनाक हैं कि इन पर बैठने के लिए आपका इंश्योरेंस तक कराया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस वीडियो को भी 10,000 लाइक्स तक पहुंचाकर अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाइए। तो आइए अब चलते हैं इस थ्रिलिंग राइड पर। दोस्तों, ये रोलर कोस्टर दुनिया के सबसे खतरनाक और घुमावदार रोलर कोस्टर्स में से एक है और इसका नाम है द टेम्पेस्टो। इसको वर्जीनिया के एक अम्यूजमेंट पार्क में बनाया गया है। हर साल ये डेडली रोलर कोस्टर हजारों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस खतरनाक झूले पर बैठने के बाद कई लोगों की तबीयत तक खराब हो जाती है और उनको राइड के समय ही उल्टी आने लगती है। ये रोलर कोस्टर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन घुमावदार पटरियों पर भागते हुए करीब 46 मीटर तक की ऊंचाई हासिल कर लेता है। बताया जाता है कि इसमें सफर करने पर कई लोग तो बेहोश तक हो जाते हैं और जो होश में होते हैं उनको भी चक्कर और तबीयत बिगड़ने की शिकायत लगी रहती है। आप में से भी कई लोगों को ये वीडियो देखने पर ही चक्कर आ रहे होंगे, तो सोचिए इस झूले पर बैठने वाले लोगों का क्या होता होगा। गाइज, अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता और आपको शहर के खूबसूरत नजारे देखना पसंद है तो आपको ये कमाल की राइड जरूर पसंद आएगी। शिकागो में मौजूद इस यूनिक राइड का नाम है द टिल्ट और ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है जिससे आप पूरे शहर का खूबसूरत नजारा हवा में उड़ती एक चिड़िया की तरह ले सकते हैं। जॉन हैंकॉक टावर के 94th फ्लोर पे मौजूद ये राइड लोगों को वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने में बिल्कुल सक्षम है। ये कमाल की राइड एक बार में 8 लोगों को पूरे 1 मिनट तक 130 डिग्री के कोण पर टिल्ट कर देती है और डरने की कोई बात नहीं है। इसका ग्लास पूरी तरह से सेफ है, तो अगर आप कभी शिकागो जाएं तो इस राइड का मजा जरूर लीजिएगा। दोस्तों, इस रोलर कोस्टर की राइड लेना हर कोई पसंद करता है क्योंकि यहाँ मिलने वाला खूबसूरत नजारा सबका मन मोह लेता है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पे बना ये अल्पाइन कोस्टर देखने में जितना मजेदार लगता है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के ब्रेक्स मौजूद नहीं है। इसको रोकना आपके हाथ में ही होता है। इसका बेहद लंबा और घुमावदार ट्रैक लोगों को उनके बचपन की याद दिला देता है, पर आपकी जरा सी भी चूक आपको इस रोलर कोस्टर पे से डिसबैलेंस कर सकती है जिससे आपको सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं। दोस्तों, पेश है आपके सामने स्काई टावर जो कि डेनमार्क में कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए खास बनाया गया है। इस राइड का मजा कुछ इस तरह लिया जाता है कि लोगों को एक हार्नेस से 100 फीट की ऊंचाई पर टांग दिया जाता है और फिर इस हार्नेस को खोल दिया जाता है जिससे लोग 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से नीचे बंधे हुए नेट में गिर जाते हैं। ये राइड कमजोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस राइड में आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि आप जमीन पर गिरकर मर जाएंगे, पर ये मजबूत नेट्स आपको बचा लेते हैं। तो आप में से कौन कौन इस खतरनाक राइड को ट्राई करना चाहेगा, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। दोस्तों, जापान में बने इस कमाल के अम्यूजमेंट पार्क में एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो लोगों को एक अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है और इसे देखने में ऐसा अनुभव होता है कि ये आपको पानी के अंदर ले जा रहा हो। ये राइड
आपको सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं ले जाती पर 114 फीट की खतरनाक ऊंचाई पर ले जाकर वहां से बहुत तेज स्पीड्स पर नीचे भी ले आती है। इस राइड पर बैठकर आप सड़कों पर चलती गाड़ियों और खूबसूरत बिल्डिंग्स का नज़ारा हवा में उड़ती एक चिड़िया की तरह ले सकते हैं। हालांकि ये राइड हमारी बाकी राइड्स के मुकाबले इतनी डेंजरस तो नहीं है पर यह इतनी मज़ेदार है कि हम इसे आपको दिखाने से रोक नहीं पाए। दोस्तों, अगर आप एक्सट्रीम राइड्स के दीवाने हैं और हर टाइम कुछ नया ट्राई करने का सोचते हैं तो ये कमाल की राइड आपके लिए ही बनी है। ये खतरनाक से दिखने वाली पेंडुलम राइड आपको 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में 150 फीट तक की खतरनाक ऊंचाई पर ले जाकर वापस नीचे ले आती है। ये एक पेंडुलम की तरह दोनों साइड घूमती है जिससे लोगों को कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। ये राइड देखने में जितनी मज़ेदार लगती है असल में उतनी मज़ेदार होती नहीं है और इसमें बैठकर कई बच्चों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। रोमांच के दीवानों और दिलेर लोगों के लिए बनी इस खास राइड के बारे में हम जितना भी बताएं उतना ही कम होगा। ये बेहद खतरनाक रोलर कोस्टर राइड लास वेगास में एक टावर के ऊपर बनी है। 50 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक पहुंचने वाली ये राइड लोगों को जमीन से 900 फीट ऊपर बिल्डिंग की एज पर लटका देती है। ये राइड अब तक की सबसे ऊंची राइड होने का रिकॉर्ड भी रखती है। इस पर बैठकर लोगों को बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि किसी भी समय ये रोलर कोस्टर बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगा जो उनके एड्रेलिन को उकसाता है और वो बार बार इस राइड का मजा लेना चाहते हैं। गाइस, रॉयल रस स्काई कोस्टर कोलोराडो में मौजूद है और ये राइड एक 350 मीटर गहरी खाई के ऊपर बनी हुई है जो इसको अपने आप में एक्सट्रीम बना देता है। इस खतरनाक ऊंचाई पर लोगों को हार्नेसेस से बांधा जाता है और फिर एक स्पेशल मैकेनिज्म से ये हार्नेसेस एक केबल से अटैच कर दी जाती हैं, जो लोगों को सुरक्षित रखती हैं। इसके बाद एक हार्नेस को खोल दिया जाता है जिससे लोग इस बेहद डेडली और डेंजरस राइड का एक्सपीरियंस ले पाते हैं। ये पतली सी केबल्स लोगों को इस पूरी राइड में सेफ रखती हैं और इनको फ्रीफॉल का एक्सपीरियंस भी कराती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।